आप देख रहे हैं न्यूज बिहार एनी टाइम। प्रखंड सह अंचल कार्यालय सरैया में ऑल इंडिया कृषक खेत मजदूर संगठन की तरफ से आज धरना प्रदर्शन कार्यक्रम रखा गया है। हम ये जानना चाहते हैं मुख्य वक्ता की तरफ से कि ये कार्यक्रम कौन कौन मांग को लेकर के किया गया और क्या क्या आपकी ये कार्यक्रम के स्वरूप है, बताइए। किसानों को समय समय पर खाद, बीज, कीटनाशक दवा, पटवन के लिए डीजल और किरासन तेल। आज जो यूरिया का कालाबाजारी हो रहा है, जो पहले भी प्रखंड कृषि पदाधिकारी से बात किया गया, 266 रुपया के यूरिया आज 800, 900 और 1500, 1600 रुपये मिल रहा है। दुकानदार बंधु कर रहे हैं, जो खुदरा जो रेट है, जो 5 कट्ठा 10 कट्ठा खेती करने वाले हैं, सभी को 1500 से 1600 रुपये किलो यूरिया उपलब्ध कराया जा रहा है। इस पर कहने पर प्रखंड कृषि पदाधिकारी कहते हैं, जो हम देख रहे हैं खाद आ रहा है, कुछ गिने चुने किसान के नाम से 5-5 बोरा खाद प्रिंट ले लिया जा रहा है, किसी को रिसीविंग नहीं दिया जा रहा है और खुदरा बिक्री के लिए दुकानदार लोग छुपा दे रहे हैं। हम कह रहे हैं खुले तौर पर, आज यूरिया का जो कालाबाजारी हो रहा है, यूरिया दारू बनाने में जा रहा है, यूरिया प्लाई फैक्ट्री में जा रहा है, यूरिया नेपाल सप्लाई हो रहा है, मैं कुल आंकड़ा देखा हूँ, 100-200 नहीं 600,000 करोड़ किसानों के नाम से जो सब्सिडी देश में मिलता है उसका बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है। इसकी सीबीआई जांच अगर हो तो मैं जो भी बता रहा हूँ, जो फैक्ट्री की बात, दारू की बात, नेपाल सप्लाई की बात, यहाँ दुकानदार लोग एक दो ट्रक इधर हेरा फेरी कर रहे हैं, लेकिन रैक के रैक जो ट्रेन से आया टोटल मतलब ब्लैक मार्केटिंग में चला गया, नेपाल चला गया, वो दारू में चला गया। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं पूर्व कृषि मंत्री के बात को दोहराना चाहता हूँ, जो पूर्व कृषि मंत्री ने कहा था जो कृषि विभाग चोर है और चोरों के सरदार मंत्री होते हैं, वो आज चरितार्थ हो रहा है। आज किसान की सुनने वाला कोई नहीं है। मांग करते हैं प्रशासन से जो इसकी जांच हो, अविलंब जो खाद आ रही है इसकी मॉनिटरिंग नहीं कर पा रहे कृषि पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, इनकी मॉनिटरिंग करके सबसे पहले जो छोटे किसान है उनको एक बोरा यूरिया दिया जाए, बड़े किसान को किसी के अनुशंसा पर ही दिया जाए, ऐसे 5 बोरा 10 बोरा यूरिया नहीं दिया जाए। और अविलंब डीएपी की समय भी वही हुआ, 1250 के डीएपी केंद्र सरकार ने 1350 कर दिया, उस समय भी किसानों को 1600-1700 रुपए में डीएपी खरीदना पड़ा। हम मांग करते हैं जो अविलंब किसानों को, चाहे वो बिजली की सुविधा हो, पानी पटवन की सवाल हो, चाहे खाद की सवाल हो, बीज के सवाल हो, प्रखंड से अनुदानित जो भ्रष्टाचार बीज में भी हो रहा है उसकी भी जांच की हम मांग करते हैं। नाम और पदनाम बता दीजिए। मैं सुनील कुमार, ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर के प्रखंड के एक सदस्य है। तो अभी आप सुन रहे थे कि किस प्रकार से किसानों के प्रति अनियमितता और कालाबाजारी खाद की जा रही है। तो हम ये जानना चाहते हैं और भी साथी हैं, तो किस तरह का ये आंदोलन लगातार आपका बढ़ रहा है और क्या आपकी मांग है? देखिए, अभी जो यूरिया का जो किल्लत है, पूरा किसान इस इलाके का एकदम लाइन में लग करके लग के फिर मशीन का बहाना बनाया जा रहा है कि मशीन पर ये नहीं लोड है इसलिए यूरिया नहीं दिया जा रहा है, और कहीं यूरिया नहीं मिला, खुद हम माने गए हैं यूरिया के लिए, हमको नहीं मिला है, 10 दिन से पानी पड़ा हुआ है खेत में। हमारे इलाके गांव में चलिए, हमारे किसान लोग आए हुए हैं, बाकी लोग नहीं आए हुए हैं, पानी पटा हुआ है, एक एक बीघा उसका खेत पड़ा हुआ है, क्या होगा? गेहूं होगा? गेहूं नहीं होगा तो किसान तो मारे जाएंगे। ये क्यों बनाया गया? किसान सलाहकार हर पंचायत में दिया गया, क्यों? उनका काम क्या है? हम यहाँ बीओ साहब है प्रखंड कृषि पदाधिकारी, उनसे मांग करते हैं कि आप क्या करवा रहे हैं, आपके मिली भगत से ये सब हो रहा है, कालाबाजारी हो रहा है। तो स्पष्ट आरोप है कि किसानों के खाद नहीं मिलना और खाद की कालाबाजारी प्रखंड कृषि पदाधिकारी के मिली भगत से हो रहा है, ये आपका कहना है? जी बिल्कुल। हम और भी जानना चाहते हैं कि जंगली जानवरों से होने वाली फसल क्षति पर रोक लगाने की भी उनकी मांग है, इस विषय में कुछ? जंगली जानवरों से फसल की व्यापक क्षति हो रही है, कई वर्षों से जंगली जानवर से फसल यहाँ बहुत ज्यादा बर्बाद हो रहा है, फसल की बर्बादी के साथ साथ कई लोगों की जान भी जा चुकी है जंगली जानवरों के चलते, और हम लोग कई बार यहाँ प्रखंड से लेकर के जिला तक इस मांग को उठाए हैं कि फसल क्षति करने वाले जो भी जंगली जानवर हैं
जिससे जन क्षति भी हो रही है, या तो सरकार उसको पकड़ करके जंगल में डाले या फिर उसकी कोई दूसरी व्यवस्था करे ताकि किसान को बर्बादी सहना नहीं पड़े। सरकार के पास सब व्यवस्था है और यह सरकार केवल कागज में कह दिया कि हमने पंचायत को जंगली जानवरों को मारने का आदेश दे दिया है, लेकिन ब्लॉक में कहीं नहीं हो रहा है। छिटपुट छिटपुट कुछ पंचायतों में जंगली जानवरों को मारा गया, गाड़ा गया, लेकिन जो व्यापक रूप से ये काम होना चाहिए आज तक अभी नहीं हुआ। तो कौशल जी का आरोप है कि कागजी आदेश केवल दी गई है लेकिन प्रखंड स्तर से पंचायत स्तर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। आप अपना पदनाम बता दीजिए। मैं कौशल भक्त AIKKMS सरैया प्रखंड सचिव। को यूरिया कितने में दिया जा रहा है? 10 रुपए, 12 रुपए, 13 रुपए, 15 रुपए यूरिया प्रति किलो के हिसाब से किसान खरीदने को मजबूर है। ऐसे में हम BDO साहब से मांग कर रहे हैं कि ऐसे नकारा कृषि पर अधिकारी पर कार्रवाई होना चाहिए। ये पूरे इलाके के किसानों से राय ले BDO साहब और एक रिपोर्ट तैयार करें और उस रिपोर्ट को जिलाधिकारी के यहाँ भी भेजे, बिहार सरकार को भेजे कि ब्लॉक में जब कृषि पर अधिकारी मौजूद हैं और ये इसी परिसर में रहते भी हैं, फिर भी ये कालाबाजारी हो रहा है। मतलब साफ है कि इनके देखरेख में हो रहा है। ये कालाबाजारियों से मिले हुए हैं, ये घूस खाते हैं, इसलिए आज तक कालाबाजारी पर रोक नहीं हो रही है। इसलिए हम BDO साहब से मांग कर रहे हैं कि अविलंब ऐसे कृषि पदाधिकारी के खिलाफ में रिपोर्ट तैयार करे और जिलाधिकारी को भेजे, बिहार सरकार को भेजे, इन पर अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए, तब जाकर के कुछ काम हो सकता है। ये बैठ करके कालाबाजारी करवा रहे हैं। मेरा नाम है रंजीत कुमार राय और पूरा संगठन का राज्य सरैया प्रखंड अंचल कार्यालय पर जो प्रखंड मुख्यालय पर जो किसानों की ओर से ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन की ओर से जो धरना प्रदर्शन में जो आयोजित किसान उपस्थित हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं मांग करता हूं बिहार सरकार एवं जिला पदाधिकारी से कि आज एक तरफ कहा जा रहा है बिहार एवं केंद्र के जो कृषि मंत्री हैं वो लगातार बयान देते हैं कि किसानों को खेती करने के लिए यूरिया की कहीं कमी नहीं है। बाकी मैं आपको एक साफ साफ दिखाना चाहता हूं कि सरैया प्रखंड के अंदर जितने भी जो लाइसेंसी खाद दुकानदार है, अगर खाद की कमी होती तो बिल्कुल नहीं मिलता किसानों को, इसलिए खाद है। बाकी प्रखंड अंचल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं इस प्रखंड के जन प्रतिनिधि के मिली भगत से जितना खाद चाहिए उतना मिल रहा है। बाकी जो सरकार का जो निर्धारित शुल्क है 266 रुपया में, उस मूल्य पर किसानों को खाद नहीं दिया जा रहा है, बल्कि यहाँ बिचौलियों को मुनाफा चाहिए और पूंजीपतियों को खदान भरने के लिए रुपए अधिक से अधिक मुनाफा बटोरने के लिए एवं तमाम लोग पंचायती जनप्रतिनिधि से लेके इस इलाके के सभी जनप्रतिनिधि एवं प्रखंड कृषि पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं उसके कुछ उमायदे लोग चाहे बिचौलिए लोग, वो सभी के मिली भगत से तमाम और खुल्लम खुल्ला प्रशासन के मिली भगत से वही 266 रुपए के यूरिया किसानों को जबरन जो है की खरीदना पड़ रहा है। 500, 600, 700, 1000 रुपए वो भी दिन में नहीं बल्कि रात में। कुछ ऐसे जन प्रतिनिधि है कि बिचौलियों से लेकर कुछ जन प्रतिनिधि बेचने के काम कर रहे हैं। एक तरफ किसान जो है जमीन को चीर कर अन्न पैदा करते हैं, जिस किसानों के ऊपर पूरा दुनिया चलता है, और वो ऐसे किसानों को आजाद देश में खादों के लिए बगवाना पड़ता है। यहाँ के अधिकारी के शर्म की बात है एवं मुख्यमंत्री बिहार के सरकारों के शर्म की बात है कि उनके नाक के नीचे खुलियाम डकैती हो रहा है किसानों का। तो मैं आपके चैनलों के माध्यम से मैं बिहार सरकार से मांग करता हूँ कि ऐसे सभी कालाबाजारियों पर एवं पदाधिकारियों पर और जन प्रतिनिधियों पर कानूनी कार्रवाई करके और किसानों के 266 रुपया में
यूरिया उपलब्ध कराई जाए, यही मैं आपके चैनलों के माध्यम से मांग करता हूँ।